नॉर्मली आमतौर से बब्बर शेर अकेला दिखता है, टाइगर अकेला दिखता है, यहां पे मतलब हजारों टाइगर एक साथ बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी जी का आपने चेहरा देखा आजकल? देखा है? पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब पहले 56 इंच की छाती, अब कहते भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा तो सीधा भगवान से रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। पैनिक में आ गए, घबरा गए। जब आदमी घबराता है, उल्टी सीधी बात बोलता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबको कह रहे हैं कि भैया आप लोग बायोलॉजिकल, पूरा हिंदुस्तान बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। आप लोग एक दूसरे से बात करो, नरेंद्र मोदी सीधे भगवान से बात करेंगे। और फिर भगवान ने चुनाव में उन्होंने सब उनको सबक सिखा दिया। उत्तर प्रदेश में अवधेश सिंह ने अयोध्या में बीजेपी के कार्यकर्ता को हराया है। रियलिटी है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहां बड़ा शहर है डैलस, जानते हो डैलस? नाम सुना है आपने? सुना है डैलस? सुना है? क्यों सुना है मैं बताऊं? क्योंकि हरियाणा से हजारों युवा यहां से भागकर डैलस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। हरियाणा में उनको रोजगार नहीं मिल सकता, हरियाणा में उनका भविष्य नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे 15-20 हजार हरियाणा के युवा हिंदुस्तान से गए, टर्की गए, टर्की से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर काटा, उसके बाद पानामा के जंगल से निकलते हुए अमेरिका गए। यहां उनको कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते यहां। जब मैं वहां पहुंचा, हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि देखिए आप राहुल जी, जो हरियाणा से यहां लोग आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनसे मिलिए आप। मैंने सोचा अच्छा आइडिया है, देखता हूं हरियाणा से जो लोग। भैया ध्यान से, ध्यान से, आपको नहीं गिरना है, बीजेपी को गिराना है। जोश बहुत है अंदर, आज फुल है, इंजन पूरा स्टार्ट है। तो मैंने कहा चलो जाके मिलते हैं, गया। 15-20 लोग छोटे से घर में रहते हैं, एक कमरे में एक साथ खाना पकाते हैं, एक साथ सोते, कोई जगह नहीं। यहां से दौड़कर गए, भाग कर गए। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, समुद्र में हम गए छोटी सी बोट में, पता नहीं था क्या होगा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, हमारे मित्र मरे। बोट के बाद हम साउथ अमेरिका पहुंचे, साउथ अमेरिका के बाद माफियाज ने हमें पकड़ना शुरू किया, रोड पे रोकते थे, पिस्तौल निकालते थे, कहते थे पैसा दो, हमारा सारा पैसा लूट लिया। जंगल से हम निकले, पानामा के जंगल से हम निकले, हमने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा अपनी आंखों से, उनकी लाशें देखी हैं, उन्होंने वीडियो भी दिखाई मुझे कि ये देखिए हम नाव से ऐसे गए, हम जंगलों में ऐसे गए। मैंने उनसे पूछा भाई एक बात बताओ, यहां से आप अमेरिका गए कितने पैसे लगे? कहते हैं 35 और 50 लाख के बीच में लगते हैं। मैंने उनसे पूछा भैया आप जा रहे हो
अगर आपके पास 35 लाख रुपया है तो आपने हरियाणा में बिजनेस क्यों नहीं खोला, छोटी सी दुकान क्यों नहीं चलाई? कहते राहुल जी, हरियाणा में आज 35 लाख 50 लाख के साथ भी बिजनेस नहीं खोला जा सकता है। हरियाणा में सिर्फ बेरोजगारी है और महंगाई है। यहां पे अगर कोई युवा सपना देखना चाहता है तो सिर्फ अमेरिका का सपना देख सकता है, और कोई सपना बचा ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ ये 35 लाख 50 लाख रुपए आपने लिए कहां से लिए? आधों ने कहा, राहुल जी हमने अपनी जमीन बेची। दूसरों ने कहा हमने कर्जा लिया। किस रेट पे कर्जा लिया? 2% महीने का, 24% पर हमने कर्जा लिया। मैं सोच रहा था हरियाणा के युवाओं के लिए बैंक के दरवाजे बंद, छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए बैंक के दरवाजे बंद, अदानी के लिए बैंक का दरवाजा खुला। आपका कर्जा माफ नहीं हो सकता। वो जो अमेरिका गए हैं उनका कर्जा माफ कभी नहीं होगा, मगर अदानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। किसानों का नहीं होगा, मजदूरों का नहीं होगा, अरबपतियों का होगा। कैसा हिंदुस्तान ही, जिनको जरूरत है उनको नहीं मिलता है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए 1 लाख दे देते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए 2 लाख करोड़ रुपए लो। फिर उन्होंने मुझे कहा अमेरिका में कि राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमसे तो मिल लिए मगर हमारे बच्चे जो हैं, हमारे परिवार हैं, वो हिंदुस्तान में है। हम अब अमेरिका आ गए हैं, हम वापस नहीं जा सकते। अगर हम यहां से निकल गए हमें वापस नहीं आने देंगे, ग्रीन कार्ड नहीं है, 10 साल लगेंगे ग्रीन कार्ड के लिए। राहुल जी एक काम कीजिए, आप हमारे बच्चों के पास जाइए, परिवार के पास जाइए और उनसे कहिए कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, हम अमेरिका में हैं, हम काम कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही मैं अमेरिका से वापस आया मैं करनाल गया, वहां पे उन्हीं परिवारों के बच्चों, माताओं से, फैमिली से मैं मिला। तो आप सोचिए, एक तरफ अमेरिका में 10-15 लोग युवा, हरियाणा के युवा बैठे, कंप्यूटर में उनका चेहरा, दूसरी तरफ हम करनाल में, हमारे साथ उन युवाओं के परिवार, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, भाई बहन, सब एक साथ। और फिर मैंने इनसे बात शुरू की, बातचीत चल रही थी, एक मां ने मुझे कहा, राहुल जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मुझे नहीं मालूम कि मैं उसे अब कभी देखूंगी। बच्चे से मैं मिला था, एक्सीडेंट हुआ, किसी ने गाड़ी मार दी, पूरी पेट की सर्जरी हुई, चल नहीं पाता है, अकेला ट्रेलर में सोता है। उसकी मैंने फोटो देखी ट्रेलर की, कुछ नहीं है उसके पास, और उसको आकर लोग पीटते हैं, रात को आकर उसकी पिटाई होती है। उसकी मां मुझे कहती है मैं नहीं जानती कि मैं कभी उसको देख पाऊंगी। बात चल रही है और एक बच्चा छोटा सा, नाम देव, दौड़ता हुआ जाता है और कंप्यूटर को पकड़ता है, चिल्लाने लगता है, पापा 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 वापस आओ, पापा वापस आओ, रो रहा है चिल्ला चिल्ला कर। मैंने ऐसी आवाज मैंने सुनी नहीं आज तक, जो मैंने करनाल में हरियाणा के बच्चे की सुनी। पापा वापस आओ, पापा देख रहा है बच्चे को, मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। उसके आंखों में भी आंसू हैं, वो छुपे हुए हैं, दिख नहीं रहे। बेटा चिल्ला रहा है, ये है आपका हरियाणा। बाप उधर, उसके आंख में आंसू, वो दिखा नहीं पा रहा है। बेटा इधर चिल्ला रहा है,
यह हरियाणा, यहां आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपने 10 साल इनकी सरकार देखी है, यहां पे आजकल ड्रग्स फैल रहा है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, अदानी के पॉट में हजारों किलो हेरोइन पाया गया था। अखबार पढ़ा आपने? पढ़ा? किसी पर कार्रवाई हुई? कोई कोर्ट केस हुआ? किसी को पकड़ा गया? नरेंद्र मोदी ने कहा कि भैया अदानी के यहां पॉट में हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई करूंगा, मैं देखूंगा हरियाणा कौन कोकेन भेज रहा है, कौन हेरोइन भेज रहा है। बोला नरेंद्र मोदी ने? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि अदानी उसकी मार्केटिंग करता है। यहां किसानों से उनका हक छीना जाता है। रोज आप मेहनत करते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, आप देश को भोजन देते हो, आपको सही दाम मिलता है? धान के लिए, गेहूं के लिए सही दाम मिलता है? अरे भाई, किसी के जेब में तो पैसा जा रहा है ना। अगर आपके जेब में नहीं जा रहा, पैसा आसमान में तो नहीं उड़ रहा ना, किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना। स्टोरेज टर्मिनल उसके, कोल्ड चेन उसकी, अंबानी के डिपार्टमेंट स्टोर, या भैया आपके जेब में पैसा आएगा या फिर अदानी अंबानी के जेब में पैसा जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सरकार आने के एकदम बाद आपको हम यही एमएसपी दे देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, वो जो बच्चा है ना देव, मैं उसके आंसू हमेशा के लिए हटाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि देव जैसे लाखों बच्चों, लाखों बच्चे हरियाणा में हर सुबह उठें, पापा की याद करें और रोएं। मैं ऐसा हरियाणा नहीं चाहता हूं। हम ये नहीं चलने देंगे, ये नहीं होने देंगे। और ये सिर्फ मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं। जब किसान से उसका धन छीना जाता है, उसके आंसू नहीं दिखते, क्योंकि खुलकर रो नहीं सकता, मर जाएगा, इंसेक्टिसाइड पी जाएगा हिंदुस्तान का किसान, मगर आंसू नहीं निकलेंगे। ये सच्चाई है। हरियाणा के किसान को मैं जानता हूं, आपके साथ मैंने खेती की है, हरियाणा में मैंने देखा है क्या हो रहा है। हरियाणा का किसान नहीं रो सकता है, छुपाने पड़ते हैं आंसू, बच्चे रोते हैं, भूख लगती है, बच्चे रोते हैं। ऐसा हमें नहीं चाहिए हरियाणा। और जहां भी देखो उन्हीं लोगों को फायदा होता है। एयरपोर्ट देखो, अदानी, बंबई का एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, सारे के सारे एयरपोर्ट अदानी। मोबाइल फोन चलाओ, अंबानी। पोर्ट्स को देखो, अदानी। अब ये खेती में आना चाह रहे हैं, ये जो काले कानून है इन्हीं दोनों के लिए बनाए गए हैं, गलत फहमी में मत होइए। जीएसटी इन दोनों के लिए बनाया गया है, नोटबंदी इन दोनों के लिए बनाया गया है। दो मेन है, इनके पीछे 10-15 और हैं, अरबपति हैं। जो भी सपना इनको देखना है ये देख सकते हैं। आपने शादी देखी इनकी? शादी देखी अंबानी की बेटे की? देखी? करोड़ों रुपए ऐसे ही फेंको। कोई अमेरिका से आके डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आके नाच गाना चल रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पर। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी, अवधेश कुमार, जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है,
कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा, भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। ये रियलिटी आपकी। तो अब आप कहोगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, तो मैं आपको बताता हूं, मैं शुरुआत की बात करता हूं। सबसे पहले गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा डालना है, सीधा। और भैया मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने लोकसभा में वायदा किया था, मैंने वायदा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, सुनो, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में मैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 1,00,000 रुपए साल के अंदर डालने जा रही है। ये हमने कहा था, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। मैं बता रहा हूं, याद रखो आप, जितना पैसा इन्होंने अंबानी अदानी को दिया ना, मैं उतना ही पैसा निकालकर हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया वाले कुछ बोले ना बोले, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, जब नेशनल लेवल पे सरकार आएगी हमारी जो आने वाली है, उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है गिनती से, मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दूंगा। मगर अब हरियाणा की बात, अब हरियाणा की जनता के जेब में डायरेक्ट हम पैसा डालना चाहते हैं। सबसे पहले महिला शक्ति प्रोग्राम, 2,000 रुपए महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार डालने जा रही है। सिलेंडर कितने का है आजकल, कितने का है? 1100, 500 का हो जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम, ये इन्होंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं। 6,000 रुपए बुजुर्ग लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को और विधवाओं को, 6,000 रुपए महीने के। युवाओं को जो सरकार में 2,00,000 वैकेंसीज हैं वो हम देने जा रहे हैं। मगर सुनिए, सबसे जरूरी बात सुनिए, ये जो 2,00,000 नौकरियां दी जाएंगी हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी, ये हर एक जात को, सबको फेयरनेस के साथ इक्वली दी जाएंगी। ये हरियाणा की हर एक जात को ये नौकरियां मिलेंगी, सबकी सबको। किसानों को मैंने कहा कि MSP गारंटी करके हम आपको देंगे, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद नहीं मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको आपका बीमा का पैसा दिया जाएगा। गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 3,50,000 रुपए 2 कमरे के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली, 25,00,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे हमने राजस्थान में किया था हम हरियाणा में करने जा रहे हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, ये आप समझ लीजिए। अग्निवीर का मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। देखिए ना, फिर से मैं देव की बात करता हूं,
वो बच्चा जो रो रहा था वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसको पिता के लिए जो भी रास्ते थे, रोजगार के जो भी रास्ते थे, उन सब को नरेंद्र मोदी ने बंद किया है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो भी रास्ते देव के पिता के लिए खुले थे, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने, अंबानी ने, अदानी ने और अमित शाह ने बंद किए। सबसे पहला दरवाजा रोजगार का था, छोटे बिजनेसेस चलाने में, एंटरप्रेन्योरशिप करने में, छोटी छोटी फैक्ट्री, मिडिल साइज फैक्ट्री में रोजगार मिलता था। नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लागू की और हिंदुस्तान के सारे जो छोटे बिजनेसेस थे खत्म कर दिए। और कोविड के समय अरबपतियों को पैसा दिया, उनको बचा दिया और जो छोटे छोटे दुकानदार थे, स्मॉल बिजनेस वाले थे, उन सबको खत्म कर दिया, कुछ नहीं दिया उनको, तो रोजगार का रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर का रास्ता था देव के पिता के पास, वो पब्लिक सेक्टर में जा सकता था, वो भी बंद कर दिया। कहा नहीं भैया, हम सारा का सारा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सरकार में नौकरी ले सकता था, 2 लाख नौकरियां खुली हैं, वो नहीं दी उसको। और फिर अगर देव के पिता आर्मी में जाना चाहते, कहते कि ठीक है और कुछ बचा नहीं, मैं जाके सेना में जाके हिंदुस्तान की सेवा करता हूं, वो भी रास्ता छीन लिया, अग्निवीर लागू कर दिया और वो भी रास्ता बंद कर दिया। तो इसीलिए वो अमेरिका गया है और इसीलिए उसका बेटा यहां रो रहा है। ये प्लान करके किया गया है, ये गलती से नहीं हुआ है। ये सारे के सारे रास्ते जानबूझ के बंद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। फायदा किसको होगा? चाइना को, चाइना के युवाओं को, अदानी को, अंबानी। और मार्केटिंग किसकी होती है? मोदी। चेन समझो, मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया, 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। अदानी और अंबानी जैसे लोगों ने मोदी को क्यों बैठाया? क्योंकि वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वे जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है, लड़ाई है। और अग्निवीर, अग्निवीर वही चीज है। देखो भैया, सीधी सी बात है, हुआ क्या है, अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है वन रैंक वन पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं, मगर जवानों को पेंशन मिलती है, ऐसे करते हैं जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। आप देखो इंटरनेट पे जाओ और अदानी डिफेंस कंपनी सर्च करो, अदानी डिफेंस में आपको दिखेगा इजराइल का हथियार दिखेगा। अदानी नहीं बना रहा, इजराइल की कंपनी बना रहा है, अदानी उसको हिंदुस्तान में बेचता है। अदानी डिफेंस में आपको ड्रोन की फोटो दिखेगी, ड्रोन इजरायली कंपनी बनाती है, अदानी हिंदुस्तान में उसको जोड़ के बेचता है। तो
हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब विदेशी कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी विकसित भारत नाम देता है, मेक इन इंडिया नाम देता है, लेबल अंबानी का, सॉरी लेबल अदानी का लगता है और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाती है। यह है अग्निवीर की कहानी। तो अब क्या होगा? अब हिंदुस्तान का जवान जाएगा बॉर्डर पे, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, बीच में एक जवान, और जो अग्निवीर राइफल लिए चाइना के बॉर्डर पे खड़े होंगे वो देखेंगे, कहेंगे यार हमें ना पेंशन मिलती, हमें ना कैंटीन मिलेगी, हमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा, हिंदुस्तान का जवान क्या सोचेगा। जो पहले सेंटर हुआ करते थे ना, जहां पे आर्मी की टेस्टिंग होती थी, वहां जाके देख लो खाली पड़े हैं, क्योंकि अग्निवीर जानता है कि ये नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है और वो अदानी को दी गई है। ये अग्निवीर का मतलब। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो, आप पॉलिटिकल लोग हो, एक मिनट में आप देखोगे अग्निवीर उसका सही सही मतलब समझ जाओगे, एक सेकंड में पकड़ लोगे। यह है, इसीलिए सरकार बदलनी है और एक साथ मिलकर, सबको एक साथ मिलकर, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार बनानी है। यह मैं आपसे कहना चाहता था। अब कांग्रेस पार्टी के टाइगर, इसके बाद सीधा मैदान में सारे के सारे एमएलए यहां जिताने, अपनी सरकार बनानी है, हरियाणा की सरकार बनानी है। दिल से आपका धन्यवाद। आप जानते हो जब भी मेरी जरूरत हो, पार्लियामेंट में कुछ बुलवाना हो, लोकसभा में कुछ कहलवाना हो, हरियाणा की कोई भी मदद करवानी हो, मुझे बुलाओ, मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। दिल से आपका धन्यवाद। और याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन गरीबों की रक्षा करता है। ये आरएसएस वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ये इनका पूरा लक्ष्य यही है कि किसी ना किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने हिंदुस्तान के गरीब लोगों को शक्ति दी, जगह दी, ये मिट जाए। कह नहीं सकते, मगर इनका लक्ष्य यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो और जो पहले का सिस्टम था वो सिस्टम वापस ले आओ। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान के गरीबों का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं छूने देंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद।